गाइस, ये जो टाटा के चीज़ी पास्ता आता है ना, चलो इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। ये 99 का पैक है एक, और चलो इसको खोला मैंने। अभी पता क्या हुआ, अभी मेरे चौपा नीचे गिर जाता बचा लिया मैंने इसको, ठीक है। तो इसको घुटा दिया, बच गया ना, है ना। इसको खोला, इसमें साइड में स्पून दी हुई है, एक सीजनिंग का पैकेट दिया हुआ है, और उसमें टिश्यू है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसको थोड़ा सा पहले अच्छे से शेक कर लो, फिर पैकेट को हल्का सा खोल लो, पूरा नहीं खोलना, और फिर इसको एक मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दो। मैंने एक मिनट के लिए बढ़िया माइक्रोवेव कर दिया, और फिर सीजनिंग अच्छा दी हुई है, मतलब थोड़ा सा और टेस्ट ना इन्हेंस हो गया उससे। तो मैंने इसको खोल लिया और सीजनिंग डाल दी। अब चलो इसके टेस्ट की बात करते हैं। तो टेस्ट ना इसका एवरेज था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर पास्ता को देख के ऐसा लग रहा था भाई भूल गए क्या गैस पर रख के, इतना ज़्यादा कर दिया क्या हो गया। पास्ता ना ऐसा गीला गीला सा था, मतलब इतना ज़्यादा कुक हो रखा था, आपको ना चबाने की ज़रूरत नहीं है, मुँह में डालोगे ऐसे मेल्ट हो जाएगा जैसे क्रीमी खा लियो। मेरे को तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यार, बहुत ज़्यादा सा अजीब सा ही था। इतना ज़्यादा पास्ता ना सॉफ्ट हो रखा था कि अगर तो उसको 2 मिनट के लिए मिक्स भी कर लो ना तो वहीं फैल जाएगा, है ना। तो वैसे टेस्ट फिर भी एवरेज था, पर पास्ता से बिल्कुल ही टेस्ट ना अजीब सा हो गया था। मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है।